अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ज़ुहैब अंसारी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सारे भाई खैर खरीत से होंगे। तो आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गए हैं। आज फ्राइडे है जी, पतंगबाजी के लिए छत पे आए हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, जुम्मे के बाद ये चेक कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी छत गीली है। आज गुड्डा कोई नहीं था चढ़ा, मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। तो हमने ये अपने वलीद भाई को कहा था कि छत पे चढ़ें, ये उन्होंने गुड्डा चढ़ाया। उनके साथ आज हम मुकाबले करेंगे। तो ये साथ उनके मानी हैं और शहजेब भाई हैं, तो इनके साथ पेचे करते हैं और आज काइट फाइटिंग करेंगे। और स्कोर भी सारा सिस्टम चलेगा कि कितना किसने कितने काटे हैं किसके। और गुड्डा आप चढ़ाते हैं जी, पहला गुड्डा हम लोगों ने चढ़ा दिया है रेड कलर के अंदर। अब मैं इनसे पकड़ता हूँ और खुद करता हूँ पेचा, और बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ जी क्या सीन होता है। फिर आज हम लोग शहनशाह से उड़ा रहे हैं ये गुड्डे हमारे। ये पीछे डबल जोकर पड़ा, ये शहनशाह है, ये हमारे रेहान भाई हैं, ये गुड्डा चढ़ा रहे हैं, वो पीछे बच्चे चढ़े हुए हैं छत पे। अब दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन चलता है। गुड्डा वो भी आगे से चढ़ रहा है, तो अब इनके साथ करते हैं पीछे। ये ज़ुहैब भाई ने गुड्डा चढ़ा लिया, और वो वाला जो है अगला गुड्डा है वो जो आगे वलीद लोग हैं उनका है। और ज़ुहैब भाई ने तो गुड्डा उड़ा लिया है। ज़ुहैब भाई क्या, ज़ुहैब भाई कह रहे थे कि आज मैं खुद करूँगा पेचे, आप लोगों ने नहीं करने। आज आप लोगों को अपने ही पेचे दिखाएंगे। क्यों? हाँ, ये चढ़ा दिया अब, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। वो लोग ज़ुहैब भाई से गुड्डे मांग रहे हैं, उनके पास शॉटिंग चल रही है गुड्डों की थोड़ी सी। छोटी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। पास पास आ गए हैं, आपको नजर आ ही रहे होंगे। ये घर जा जो नीचे से बैक वाला उनका घर है ना, पास ही हमारा गुड्डा उनके। ये ज़ुहैब भाई के ऊपर उन्होंने गुड्डा फेंक दिया, चढ़ाने नहीं दे रहे। ये रहा हमारा गुड्डा, ज़ुहैब भाई ने वो निकाल लिया, उनके निकल गया। मौसम आज अच्छा ही था, पर लेकिन आज हवा बहुत हल्की चल रही है, कि मसलन के पतंगबाजी से नहीं आपको नज़र आ ही रहा होगा। ज़ुहैब भाई के यार सब्सक्राइबर नहीं हमारे हो रहे हैं, ज़ुहैब भाई देख भी रहे हैं। ज़ुहैब भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए ना, कि बनाते हैं वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। इन्होंने ज़ुहैब भाई ने कहा है मैंने 1K सब्सक्राइबर के ऊपर गिव अवे करूँगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें ज़ुहैब भाई को। ज़ुहैब भाई ने अगला गुड्डा चढ़ा लिया, जो पहले वाला गुड्डा था ना हवा कम थी उसकी वजह से वो वहाँ पे फंस गया और वो टूट गया, वो आगे दरख्तों के पीछे मेरा ख्याल से फंस गया, और वो बच्चे थे पीछे उन्होंने उतार लिया मेरा ख्याल। ये ज़ुहैब भाई ने अगला गुड्डा चढ़ा लिया, ये नेक्स्ट एक प्यारा सा गुड्डा हम लोगों ने चढ़ा दिया। तो पिछले के साथ बैड लक हो गई है, वो गुड्डा हमारा अड़ गया, ये नया गुड्डा चढ़ाया, तावा गुड्डा है ये। वो पिछला वो छोटा था, ये बड़ा है, तन भी इसका सही है। अब इंशाल्लाह करते हैं पेचा, काटते हैं गुड्डे। हवा जो है वो थोड़ा सा मसला कर रही है, बाकी इंशाल्लाह गुड्डा एक दफ़ा चढ़ा लेते हैं, फिर करते हैं सबकी लाशें और आपको दिखाते हैं जी क्या सीन है। ये ज़ुहैब भाई ने गुड्डा चढ़ा लिया, अब पेच के करीब हो गए हैं, मतलब कितनी बुलंदी पे चले गया गुड्डा, तो अब उनके साथ होगा पेचा, तो आपको दिखाते हैं साथ। ये ज़ुहैब भाई कर रहे हैं, आप लोग बताया करें कमेंट्स के अंदर ज़ुहैब भाई को कि इस केमिकल का रिव्यू करें, उसके साथ हम लोग आपके पेज देखेंगे, तो इंशाल्लाह फिर ज़ुहैब भाई उसके साथ वीडियो बनाएंगे इस पीस के साथ।
और ये हमारा गुड्डा उनके करीब आ गया है, ये लोग चढ़ा रहे हैं। वो जो दरमियान में लड़का है इसका नाम अब्दुल वहाब है, ये गुड्डा चढ़ा रहा है। वेट करी, वेट करी, एक मिनट पेचा ना करी, दरख्त में अड़ गया, सबर कर। वो दरख्त में फंस गया गुड्डा, निकल आया। वो नीचे नहीं आने दे रहे हैं ज़ैब भाई को, और ऊपर से हमारा गुड्डा ज़रा भारी पेपर वाला है, तो इसलिए वो लोग फंस नहीं रहे, वो मैं फंसा रहे हैं। ये पीछे से बच्चों ने शापर वाली गुड़ियाँ चढ़ाई हुई हैं, और ज़ैब भाई को कह रहे हैं कि हमारे साथ खेचा नहीं करना आपने। ये ज़ैब भाई ले गए हैं उनकी तरफ नीचे, ज़ैब भाई कह रहे अब जो होगा देखा जाएगा। पेचा सही हो नहीं रहा क्योंकि हवा भी उतनी सी है, और ऊपर से ये उनका मेरा ख्याल कट गया, कट गया। ये हमारे ऊपर केमिकल डाल रही है इसकी, काट के उनका और समेटने की कोशिश है, देखते हैं अब क्या सीन होता है। काटा तो खुद हाथों से हम लोगों ने, ये उनके आपके मुंह नजर आएंगे, ये देखिए काट दिया आपने, वो देखिए, ये देखें, ये देखिए इसका शोर चेक करें, हाथ बेटा ऐसे ही होता है, ऐसे ही कहते हैं। आप लोग वीडियो में देख के बताइएगा कि हाथ से टूटा के काटा से भाई, चेक करें कैसा वो। मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा था कि यार ये ऊपर गुड्डा लेके आए, इसी चीज़ का मैं वेट कर रहा था, वो नीचे ला नहीं था रहा और मुझे आने भी नहीं था दे रहा। बाकी अब गुड्डा काट दिया भाई का, अब ये नया गुड्डा चढ़ाते हैं, तो इनके साथ फिर से इंशाल्लाह लाश करेंगे इनकी, और आप लोगों को दिखाएँगे अपना पेचा। अब यहाँ से रेड गुड्डा भी उड़ा है, ये चेक करें जमील भाई, दिखाएँ ज़रा, उनके साथ भी करते हैं पेचा। वो ब्लैक गुड्डा भी चढ़ रहा है आगे से, उसके साथ भी करते हैं। ये उन्होंने अगला गुड्डा चढ़ाया रेड कलर का, ये चबले मार रहे हैं ज़ैब भाई के साथ, ज़ैब भाई के गुड्डा ऊपर फेंक गया, छत के ऊपर फेंके जा रहे हैं। इनके साथ इलाज इनका अभी मैं करता हूँ, टेंशन ना लो। मैं कह रहा हूँ कि चले यार मोहल्लेदार है हमारे, इनको थोड़ा सा हम चढ़ा लेने दे, वो छत से घुमा के अपनी छत पे बैठ के फेंक के रगड़े दे रहे हैं डोर है? चढ़ा जैसे मर्जी कर, चढ़ा के कर पेचा, हम कौन सा तेरी तरह चवल है। पैसे ले लेंगे, टेंशन ना ले, पहले चबले खुद मार रहे थे, अब कह रहे गुड्डा चढ़ाने। हम तो मैं तो कहता हूँ कि चढ़ाए यार, फिर ही बंदा सुकून से पेचा करे, अगला बंदा राजी हो गया यार गुड्डा काटा है, ऐसे गुड्डा काटने का मजा नहीं है, अगले बंदे को यही होता है यार चढ़ाने नहीं दिया। एक दफा चढ़ा लेते हैं फिर इनके साथ करते हैं बेचा। उन्होंने दूसरा गुड्डा भी चढ़ा लिया रेड कलर का, अब इनसे पूछेंगे जब ये रेडी हो जाएंगे कि आपने पेचा करना है, फिर इनके साथ पेचा करेंगे। हमारा गुड्डा वो ऊपर वाला है, ये इनका गुड्डा, और एक यहाँ पे हमारे एक बॉडी बिल्डर आदमी रहते हैं ओमान, ये उनका गुड्डा है। ये ज़ैब भाई सोच रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के साथ पेचा किया जाए, कि एक एक करके काटा जाए, क्योंकि दो गुड्डे हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ से। ये मानी लोगों ने काट दिया वो भाई का, वो छोटा सा गुड्डा था, अब हम मानी लोगों के साथ देखते हैं क्या करते हैं। एड तावा गुड्डा है मानी लोगों का, पहला गुड्डा उन्होंने काट दिया उनका, उनका काटा है। ये सामने दरख्त है, इससे बचा के देखा करें, गुड्डा हमारा बड़ा लेवल का चढ़ गया, हवा फुल लग रही है गुड्डे को, बस अब क्योंकि हमारा गुड्डे का कागज भी भारी है ना ज़ैब भाई, वो तो बात सही है, लेकिन हवा अब गुड्डे को लग रही है फुल अच्छी वाली, अब बस मौका मिले नीचे जाने का और हम यमन किनारे सीके कर दें उनका। वो किच मार रहा है।
लेकिन उसे बची नहीं है। उसे भाई की बारी है, उसे भाई का बेचा दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वो देखिए वो बोल रहे हैं क्या, गुड्डा टाइट ही नहीं हुआ। जेब भाई का गुड्डा कट गया, गुड्डा टाइट नहीं हुआ। जेब भाई का गुड्डा कट गया, जेब भाई ने बोला ये पिंक वाला डिसाइड किया कि मैंने ये चढ़ाना है। अजान होने लगती है, आप सुन रहे होंगे पीछे। और एक और गुड्डा चढ़ा दिया है वो वाला। ये जेब भाई ने अगला गुड्डा चढ़ा लिया पिंक कलर का। क्या आपने देखे होंगे वीडियोस के अंदर, जेब भाई के पास काफ़ी क्वांटिटी में काइट पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा इसके मुख्तलिफ कलर्स थे। अजानें हो रही हैं, आप सुन रहे होंगे। बस ये लास्ट पिच है, उसके बाद फिर जा रहे हैं हम लोग भी। फिर जेब भाई ब्लॉग एंड करेंगे, फिर आपके जेब भाई साथ मुलाकात करवाते हैं इनपे। हमने पिंक कलर का गुड्डा चढ़ाया है, अब इनके साथ दोबारा से पीछा करते हैं। पिछला गुड्डा इन्होंने हमारा काट दिया था, अब 1-1 की सिचुएशन जा रही है, तो अब पेचा करते हैं इनके साथ और देखते हैं क्या सीन बनता है। आपको पेज दिखाते हैं फिर। थोड़ी सी जो है वो मट्टी सी है, उनका जो है वो 1.5 तावा है। जहाँ पे लच्छे लगे उधर निज़ाम हो जाना है हमारा, बाकी इंशाल्लाह निज़ाम करेंगे उनका। जेब भाई का गुड्डा के नीचे है, ऊपर फेंक रहे हैं गुड्डा। की करना वा इहदे पिछे चो, की करना हुण तू? वो गुड्डा गिर गया उसने ऊपर। तेरा दिमाग सेट है? जेब भाई को गुस्सा आया, ये देखिए इस बंदे के ऊपर जो ब्राउन चिल्वा करने आ जाते हैं। दोनों गुड्डे इसने जाया करवाए हैं। ये जेब भाई का गुड्डा खुद ही निकला है, उनका टूट गया। ये मासूम सी शक्लें बनाई हुई है इन्होंने। ये बंदा है ना, जो ये बंदा इस बंदे को पता नहीं कैसे पहुंच गया, पता नहीं चला मुझे कैसे निकला ये गुड्डा। बस अल्लाह अल्लाह की तरफ से निकला है गुड्डा, कहां से पता नहीं। ये जेब भाई ने गुड्डा उतार लिया मतलब के जो एंड वाला गुड्डा था, अब हमें पता नहीं है हमने काटा है। हालांकि पीछा लगा था उसने हमारे ऊपर गुड्डा फेंका है, हमारा नीचे था। अब दोनों के डूब गए गुड्डे, उसका भारा था, मैं हल्का सा उठाता कट जाना था मेरा, मैंने ढील दे के रखी। अब दोनों गुड्डे गिर गए हैं नीचे और हमारा गुड्डा निकला है, उनका कट गया। बाकी अब आप लोगों के सामने है 2-1 की सिचुएशन। अगर ये गुड्डा हम लोग काटते हैं कि हमने इनका काटा है, तो बाकी ये सीन है। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।